हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। शुरुआत कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स से। सिमंस स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, ऑप्शन निफ्टी स्ट्रॉन्ग, हायर लेवल्स की शॉर्ट कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग थी। दीपक नायक का यही हाल है, फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता बड़ी खूबसूरती से। एचएल की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, तीन महीने बाद सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया। आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ मैंने नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में प्लेस किए हैं। इंडियन होटल्स ऑप्शन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 720 के ऊपर स्टेबल होगा, याद रखिएगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग, विद इन निफ्टी बैंक प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, और अपोलो हॉस्पिटल्स को मैंने मार्क किया है स्ट्रॉन्ग साइड पे, मोमेंटम कायम है, और एक सन टीवी नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है, जहां पे एक रेंज ब्रेकडाउन और 100 डे मा का ब्रीच। आशीष, चलिए मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ वॉच करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई ट्रेड वेड लीजिएगा। कोटक और जोमैटो सिर्फ कैनेडा पेंशन फंड की तगड़े एक्सपोजर्स के चलते मैंने लाल में रखे या रडार पर रखी है, ऐसा कहिए। मैस्टेक के लास्ट रेट में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने माल छोड़ा कल, और तगड़ी होल्डिंग है, ध्यान रखिए। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का आज ओएफएस खुलने जा रहा है, सरकार हिस्सेदारी बेचेगी इसीलिए, तो केआई इंडस्ट्रीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठंडा। एचडीएफसी लाइफ की कॉनकॉल हाईलाइट्स अच्छी, रैलिस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी, सेंट्रल बैंक को सीसीआई के एक मंजूरी मिलती हुई फ्यूचर जनरली में स्टेक एक्वायर करने की, बीएसई ब्रोकरेज रिपोर्ट, और वाकई थोड़ा सा एक्सेसिस अब फैक्टर इन हो रहे हैं स्टॉक को लेकर, इसीलिए लाल रखा है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसे अपन पॉपुलरली सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानते हैं, उसमें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के